आई गाइज गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम अगैन टू अनादर सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स स्पॉटलाइट एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे आई कम आउट विद कवरेज ऑफ डेली करेंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग आर बी आई एंड सेवी एग्जामिनेशन और आज हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स सेवंथ एंड एथ अप्रैल का टूडे इज नाइन्थ सो वी कवर सेवन एंड एथ अप्रिल कंप्लीटली इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल से विल गो ऑन टू स्टेट इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अवार्ड्स डे स्पोर्ट्स एम ओ यूज अपॉइंटमेंट्स जो भी हमें इम्पोर्टेंट लेगा सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे आई फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसेस वेयर फर्स्ट विल एंड अंडरस्टैंड द न्यूज़ एंड देन आई विल टेल यू ऑल वल कैन बी आज फ्रॉम दिस स्पेसिफिक न्यूज़ एंड थ्रू दैट विल ट्राइन रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर रिकॉल वो हम करने की कोशिश करें ठीक है ना स्टार्ट करें स्टार्ट करें आज का सेशन जस्ट गिव मी अ अप एंड लेट मी नो इफ यू कैन सी मी एंड हियर मी क्लियरली सब कुछ सही चल रहा है गुड इवनिंग नमस्ते चलिए स्टार्ट करते हैं रिसेंटली अनाउंसड जीआई टैग्स जोग्राफिकल इंडिकेशन आई होप यू नो वॉट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ रिसेंटली डी पी आई आई टी ने अब एक क्वेश्चन बनता है कि जी आई टैक्स कौन अनाउंस करता है वेरी गुड क्वेश्चन डी पी आई आई टी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है इसने कुछ नए जी आई टैक्स अनाउंस किए हैं पिछले दो तीन महीनों में लॉर्ड ऑफ न्यू जी आई टैक्स क्रिएट अ सिंगल पेज लिस्ट ऑफ ऑल द न्यू जी आई टैग्स विद द स्टेट इन फ्रंट और मैपिंग भी कर सकते हो उसकी इट बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओके वहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं मिराज तानपुरा महाराष्ट्र का है ये ऐसे ही मिराज सितार ये भी महाराष्ट्र का है बुंदेलखंड कठिया गेहू विच इज़ अ काइंड ऑफ वीट इसको साइंटिफिकली ट्राइटिकम दूरम बोलते हैं ट्राइटिकम दूरम दिस इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओके इट हैज़ अ शेयर ऑफ फाइव परसेंट टू एट परसेंट ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन और वॉटर स्कास एरियाज जहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट ज़्यादा गर्म है मोर हॉट वहाँ पे बुंदेलखंड कठिया गेहूँ या फिर ट्राइटिकम दुरम ये ग्रो होता है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं मिराज तानपुरा मिराज सितार बुंदेलखंड कठिया गेहूँ इनमें से कौन कौन से रिसेंटली एड किए गए हैं इन द न्यू लिस्ट ऑफ जी आई टैक्स और एटसेट्रा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है सेकेंड इश्क एट अनंगनाज बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट तो तेलंगाना में ये कुछ नए कॉइंस मिले हैं एट अ ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट द साइट वॉज ऑलरेडी नोन इन दिस साइट सम न्यू कॉइंस हैल्ड एट फानीगिरी फानीगिरी जगह का नाम है हेरिटेज साइट का नाम सो दिस इज वेयर क्वेश्चनलाइज की कॉइन्स जो नए मिले हैं वो बुद्धिस्ट साइट पे वो कहाँ मिले हैं इन तेलंगना फानीगिरी इज द नेम ऑफ द प्लेस ओके अब ये कॉइंस पे क्या बना हुआ है वॉट इज द सिंबल और वट आर द सिंबल्स ऑन दिस कॉइन दैट हैज बीन फाउंड एलिफेंट सिंबल ऑन द बैक एंड उज्जैन सिंबल एलिफेंट सिंबल ऑन द फ्रंट एंड उज्जैन सिंबल ऑन द बैक ओके ये दो सिंबल्स हैं यही है इसके अंदर और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अदरवाइज यूपीएससी ओरिएंटेड न्यूज बन जाएगा स्टेट में आए तो 210 आर्टिफिशियल रीफ्स टू बी इंस्टॉल्ड नियर वर्ली इन मुंबई नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहला द फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ वॉज इंस्टॉल्ड इन इंडिया इन पॉन्डिचरी अब सेकेंड वर्ली कोलीवाड़ा मुंबई में लॉन्च किया जा रहा है इंस्टॉल किया जा रहा है वॉट इज बिकॉज़ रीफ्स एक्ट एज अ कार्बन सिंक तो इसीलिए इन रीफ्स को इंस्टॉल किया जा रहा है टू मेक श्योर कि जो हमारे ओशंस हैं उनमें कार्बन सिंक कम ना हो इट कीप्स वर्किंग ओके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स कमीशन राइट ह्यूमन राइट्स कमीशन बॉडी फर्स्ट रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंटरसेक्स पीपल तो ये फर्स्ट रेजोल्यूशन आया है बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन व्हिच इज़ ट्राइंग टू एड्रेस द कॉज ऑफ इंटरसेक्स पीपल 1.7 परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन आर बॉर्न विद इंटरसेक्स ट्रेट्स मतलब जिन लोगों में दोनों सेक्सेस के ट्रेड्स दिखते हैं उनको हम इंटरसेक्स पीपल बोलते हैं सो दिस द फर्स्ट रेजोल्यूशन टू कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हैव ट्रेड्स ऑफ बोथ द सेक्सेस एंड हैज़ नाउ अडॉप्टेड द फर्स्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन यूनियन बैंक इज रेजिंग फोर्टी टू थाउजेंड फ्रॉम डी आई एफ सी टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना पैसा रेस किया है फोर्टी टू हंड्रेड करोड़ है फोर्टी टू थाउजेंड करोड़ नहीं है वन सेकेंड फोर्टी टू थाउजेंड ही होगा ये फोर्टी टू हंड्रेड नहीं होगा ठीक है ना फोर्टी टू थाउजेंड करोड़ फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ अब क्वेश्चन है कितना फंड नंबर वन तो फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर्स नंबर वन

सेबीज सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल गेट आई एस ओ सर्टिफिकेशन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की देर आर वेरियस सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड अदर काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट सेबी ऑल्सो हैव टू मेनटेन साइबर सिक्योरिटी एंड टू ऑफ देम हैव गॉट आई एस ओ सर्टिफिकेशन दैट्स इट उनके नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दिस वन न्यूज़ कैन बी आस्ट इन द एग्जाम जे एंड के बैंक हैज पार्टनर विद पे मार्ट इंडिया टू इंट्रोड्यूस वर्चुअल ए टी एम फैसिलिटी अ क्वेश्चन कैन बी हाउर्चुअल ए टी एम फैसिलिटी वर्क उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सेकेंड विच बैंक हैज लॉन्सडेड और किसके साथ टाइप किया है पे मार्ट इंडिया के साथ टाइप किया है वर्चुअल ए टी एम को वी ए टी एम भी बोलते हैं एग्जैक्टली exactly होता क्या है कार्डलेस कैश विदड्रॉल फॉर कस्टमर थ्रू लोकल मर्जेंट मैं एक कस्टमर हूँ मेरे पास कार्ड नहीं है आई गो टू अप मैं एक शॉप पे गया वो एक मर्चेंट बन गया मेरे लिए नाउ इन दैट शॉप आई ओपन माई मोबाइल ऐप और उस मोबाइल ऐप के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ उस मर्चेंट से एंड थ्रू दैट मनी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई एप्लीकेशन माई अकाउंट टू हिज अकाउंट एंड ही पेज़ मी कैश सो एन एप्लीकेशन एम पे डिलइट हैज़ बीन क्रिएटेड वेयर दे कैन ओपन देयर दिस एप्लीकेशन और जो मर्चेंट का स्मार्टफोन होगा उसमें एक वी ए टी एम की अलग ऐप होगी नाउ आई कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम माई एप्लीकेशन टू हिज एप्लीकेशन एंड देन टेक मनी दैट्स वॉट एक्चुअलीस इन एन ए टी एम ऑल्सो इनस्टेड ऑफ एन एप्लीकेशन यूर यूजिंग अ कार्ड यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ट्रांजेक्शन लिमिट कैन बी आस्ट इन दी एग्जाम करेंट ट्रांजेक्शन लिमिट टू थाउजेंड पर ट्रांजेक्शन एंड टेन थाउजेंड पर मंथ धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया जाएगा सो वैन इट इंक्रीजेज इन द फाइनलो आस्ट इन देशन उसको भी ध्यान रखना है दो चीज हुई है अब यहाँ पर उसके बाद आर बी आई हैज कैंसल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सम एन बी एफ सीज एंड अदर एन बी एफ सीज है कौन से सेक्शन के अंदर ये आरबीआई को पावर है सेक्शन फोर्टी फाइव आई ए इफ यू कैन रिमेंबर इट्स गुड इफ यू कैन नॉट इट्स इवन फाइन सेक्शन फोर्टी फाइव से भी शायद काम चल जाएगा विच ऑल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड बाई आर बी आई नाउ दिस इज अ वेरी फार फेस्ट क्वेश्चन बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सो दे कैन आस्क यू कुंडल्स मोटर फाइनेंस नितिया फाइनेंस भाटिया हायर परचेज जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांस पहले नाम से याद रखोगे तो आई थिंक काफ़ी है ठीक है ना उतने उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए एंड सम एन बी एफ सीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इन वेल कमर्शल मोहन फाइनेंस सरस्वती प्रॉपर्टीज एंड क्विक क्विकर मार्केटिंग तो ये कुछ कंपनीज हैं एन बी एफ सीज दे है विथड्रॉन और सरेंडर्ड

कंपलाइंसिस निकाले थे एल आई की फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस डिज नॉट फॉलो देम तो उन्होंने पेनल्टी लगाई है तो द क्वेश्चन कैन बी विथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज पीनालाइज बाई आर बी आई टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्टी नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड फॉर नॉन कम्पलायंस विद प्रोविजन्स दिस कैन बी द क्वेश्चन ओके वॉट अबाउट एन डी एफ सी कस्टमर्स उन सबको वापस दिया जाएगा पैसा ओके या फिर जिसको भी पैसा दिया है उससे पैसा लिया जाएगा पहले सारे एसेट्स रिकवर होंगे एंड देन दे विल शट फर्स्ट एम फर्स्ट एमपीसी मीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अवार्ड्स पे अवार्ड्स पे भी लेट्स कम टू दिस अप्रैल सिक्स यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये याद रखना जरूरी है कि अप्रैल सिक्स को हमने ये वाला दिन बनाया है यू इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस थीम भी इसका इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज तो इंपॉर्टेंट डेज में ये ऐड कर लेना हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फेल डोप टेस्ट इन इंडिया फेल डोप टेस्ट इन इंडिया का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट टू परसेंट फेल्ड रेशियो है एडवर्स फाइंडिंग्स नंबर वन ट्वेंटी दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए आ, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके okay? कुछ मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल में तो ये पूछे जा सकते हैं जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार प्रतिनिधि दिनेश कुमार याद रख सकते हो बिकॉज दिनेश कुमार छोटा सिंपल नाम है सो यू कैन प्रॉब्लिट रिमेंबर थ्रू दैट ऑल्सो जस्टिस धीरज भटनागर तो ये दो नाम हैं सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के uh, दोनों ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल कहाँ आता है सेबी के अंडर आता है ओके okay? यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल इज अ अटैटरी बॉडी एस्टैब्लिस्ड

डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका नया चेयरमैन कौन है डॉक्टर मीनेश शाह ये भी एक और क्वेश्चन है दैट कैन बी फ्रॉम यू के अंदर ये पूछा जा सकता है ओके okay. ठीक है सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ़ दिस सेशन आई होप छोटा सा यूजफुल था बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्टली बता दिए हैं इस कवरेज के थ्रू सेवेंथ और एथ अप्रैल का जो कवरेज था वो इतना ही था इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है ये एक बार सारा पढ़ लेना डॉक्यूमेंट फिर से दैट बी मोर देन अफ अब ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल कहाँ है इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट करेंट अफेयर्स डॉट अनुजिंदल डॉट इन ठीक है ना इस पोर्टल पे जा सकते हो और इस पोर्टल पे आपको बहुत सारे करेंट अफेयर्स और क्विजे मिल जाएंगे यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम देयर डायरेक्टली एज वेल ओके अर्पित हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन हाउ डू दीज कंपनीज वर्क विद दीज फ्लॉज दीज कंप्लायसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फुलफिल एट टाइम्स अब आप ख़ुद तो नहीं कर सकते आपको एक कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ेगा एक और कंपनी चार्ट अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा एक और कंपनी हायर करनी पड़ेगी विच इज गोइंट टू डू इट इफ दे आर डूइंग द जॉब करेक्टली और नॉट यू डोंट नो बट अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट कंपनी इज नॉट गोइंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू आर बी आई टू सेबी ओके इसीलिए ऐसा चीजें होती हैं ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट लेट्स क्लोज द सेशन आई सी यू एट सेवन सात बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सेबी की क्लास टुडे आई एम गोइंग टू कवर जीएसटी ट्राई करेंगे स्टार्ट करके फिनिश करने का दे इज अ लॉट टू टीच इन जीएसटी टुडे बहुत सारी चीजें तो डिस्कस करने के लिए हैं एंड जीएसटी हैज बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सेबी काफी क्वेश्चन आते रहे हैं पास्ट में तो so एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी क्वेश्चन आएंगे ओके चलिए ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर बाय